हैं जिन्होंने ये नोटिस किया होगा। टोटल जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं वो आपके 228 टॉपिक्स हैं, और उन 228 टॉपिक्स में से सब टॉपिक्स हैं 202, 202, और आपकी कुल जो फिजिक्स की बुक है उसमें 283 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, टोटल 221 न्यूमेरिकल्स हैं, 103 एग्जांपल्स हैं और 27 लॉज हैं जिनको डिस्क्राइब किया गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए अभी से कि हमने अपने पार्ट वन की बुक में किन किन चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है। उसमें 228 टॉपिक्स, 202 सब टॉपिक्स हैं, 283 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 221 न्यूमेरिकल्स हैं, 103 एग्जांपल्स हैं, 27 लॉज हैं हमारी फिजिक्स की बुक के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट। शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे और चूंकि इस दफा स्मार्ट सिलेबस है तो उस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, और इनमें से हमने जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हम वो कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे किसी भी चैप्टर के, और उसके बाद आप लोगों को उनकी कोई असाइनमेंट और प्लस टेस्ट जो कि कंपल्सन है हमने वो ऑलमोस्ट हमारी जो कोशिश होगी कि हर 2 to 3 डेज के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डाइमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। ये आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है ये जो जी है इसको हम ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बोलते हैं, जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, इसको हम यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसको यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट कहने की वजह यह है कि यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट आपके पास, बेटे आप लोगों के माइक ऑन है, आप किसी भी वक्त हैंड रेज करने की बजाय क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। अब यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट क्या होता है? एक ऐसा कॉन्स्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है पूरे यूनिवर्स में कहीं होती है, वो मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करती। बच्चों को कंफ्यूजन होती है सी की वैल्यू में, सी स्पीड ऑफ लाइट, सी एक्सपोनेंट एज, बच्चे उसको भी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट समझते हैं, लेकिन वो जो स्पीड ऑफ लाइट है सी, वो आपके पास यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट नहीं। अब इस क्वेश्चन को अगर हमने अटेम्प्ट करना है तो हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले तो हमने इसके यूनिट्स लिखने, यूनिट्स को जिस तरह से लिखना है, फॉर्मूला लिखना है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। अब ये जी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये जो आर स्क्वायर है डिवाइड हो रहा था, ये दूसरी तरफ जाएगा तो एफ से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर, और एम वन एम टू जो था वो जी से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इनके यूनिट लिखे, फोर्स का यूनिट बनता है न्यूटन, आर इन एक्चुअल डिस्टेंस होता है, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय किलोग्राम, मास का यूनिट, और इस मास का यूनिट भी किलोग्राम, तो ये बन गया किलोग्राम का स्क्वायर। ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट्स लिखते हैं तो उनके दरमियान या तो डॉट लगा लें या उनके दरमियान सिंगल स्पेस लिखनी है, तो इन यूनिट्स को लिखते हुए आप इन सबके दरमियान सिंगल स्पेस लिखेंगे, न्यूटन के बाद स्पेस, मीटर स्क्वायर के बाद स्पेस और किलोग्राम पर स्क्वायर के बाद भी स्पेस। तो इसके पहली चीज तो ये यूनिट्स लिखने हैं, एक नंबर आपका इनके यूनिट लिखने का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देन आपकी हेडिंग आएगी डायमेंशन ऑफ जी। अब जी की डायमेंशन निकालने के लिए अगेन वो मैकेनिज्म कि सबसे पहले तो आपने उस गिवन फार्मूला से जी की वैल्यू निकालनी है जो बनती थी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन एम टू। अब हमने इन सबकी बारी बारी डायमेंशन को देखना, डायमेंशन कैसे देखने, देखें सबसे पहले फोर्स। अब फोर्स की डायमेंशन, अब डिफरेंट वेज है यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करने के। फॉर एग्जाम्पल आप पहले फोर्स की अलग से डायमेंशन निकालें, एफ इज इक्वल टू एम ए, आप एफ इज इक्वल टू एम ए से डायमेंशन निकालते हैं तो वो बनती है एम एल टी माइनस टू। अब कोशिश कर रही है कुछ बेसिक डायमेंशन है वो आपको सच एस याद हो, आपको उनको बार बार ड्राइव ना करना पड़े, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन को ड्राइव करने की जरूरत नहीं, हम याद रखेंगे एम एल टी माइनस टू होती है, आर लेंथ में मेजर होता है, मीटर इसका यूनिट होता है, यहाँ पे जो डायमेंशन आएंगी लेंथ वाली आएंगी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस मैथ की डायमेंशन भी एम और इस मैथ की भी एम, तो ये डायमेंशन एम स्क्वायर नीचे हो जाएंगी। जब ये ऊपर जाएंगी या इनमें से एक एम यहाँ से कैंसिल आउट कर दें तो बाकी क्या रह जाएगा, एक एम ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा एम माइनस वन, आपके पास एल सच एज एल का स्क्वायर था ये, और एक एल आपके पास ये था एल स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी पावर वन है,
जब आपके पास बेस सेम है तो पावर में एड होना होता है, 2+1 एल की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और तीसरी चीज आपके पास टी माइनस टू वैसे का वैसे, तो इसके यूनिट क्या बन जाएंगे, डायमेंशन क्या बन जाएंगी जी की, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, और इसको स्क्वेयर ब्रैकेट में लिख लेना। अब ये वाला फार्मूला एक लिहाज से और इम्पोर्टेंट भी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस ये है आपके पास कि ये हमें बताता है कि इसके जो यूनिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज क्या होंगे, जी के यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मैथ का यूनिट किलोग्राम है, लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो इसको हम लिख सकते हैं पर किलोग्राम मीटर क्यूब एस माइनस टू, पर किलोग्राम मीटर क्यूब एस माइनस टू, ये बेस यूनिट होते हैं जिसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहे तो एट द एंड लिख सकते हैं कि इसके जो यूनिट है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, हम इसको ऐसे भी सकते हैं पर किलोग्राम क्यूबिक मीटर एस माइनस टू। क्वेश्चन नंबर टू, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डाइमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। आपसे पूछा जाता है कि प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन बताएं, तो आप क्योंकि ये बेस है तो आप इसको प्रॉपरली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, आप इसी तरह लिखेंगे। अब बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं, बच्चे ब्रेड फार्मूला लिख के डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं, आप प्रॉपरली इसको एक चैनल के थ्रू लेके चलेंगे ताकि हमारे मार्क्स भी रखना हो। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी डायमेंशन ऑफ प्रेशर, और शॉर्ट सी डेफिनेशन है, प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर का फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू एफ ओवर के। अब यहाँ पे F रिप्रेजेंट करता है फोर्स, और A रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द सरफेस को, या एरिया को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, अब हमने इनकी डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अब ये भी बच्चों को क्लियर होना चाहिए सिंपल फार्मूला और डायमेंशनल फार्मूले में फर्क क्या होता है, ठीक है, ये भी मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। डायमेंशनल फार्मूले में कैसे लिखना है, प्रेशर फोर्स की डायमेंशन अभी हमने पढ़ी थी एम एल टी माइनस टू, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो दोनों लेंथ की फॉर्म में आती है तो ये लेंथ का स्क्वायर एल का स्क्वायर आ जाता है। जी आपके पास प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला है, ये प्रेशर का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। तो अगर आपसे किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाए तो आप उसको इस तरह से डायमेंशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो डायमेंशन क्या बन गए, एल को एल से कैंसिल कर दिया, एक एल ऊपर चला जाएगा तो वो बन जाएगा एल माइनस वन, तो ये बनेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नेक्स्ट, इसी से अगर आपसे पूछ लिया जब प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट रिप्रेजेंट करें तो किलोग्राम पर मीटर एस माइनस टू, उसके कौन से यूनिट्स बन जाएंगे, बेस यूनिट बन जाएंगे। डेंसिटी की डायमेंशन हमने कैसे करनी है, आप सबसे पहले उसी तरह डेंसिटी क्या होती है, इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का कैसे लिखना है, मास की डायमेंशन कैपिटल एम, वॉल्यूम लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, इसकी सम तो लेंथ की पावर थ्री हो जाएगा, एल थ्री हो जाएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। तो डायमेंशन क्या बन जाएंगे, एल ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा एम एल माइनस थ्री, और इसका डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट किस तरह लिखना है, मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मीटर, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड डेंसिटी, वेलोसिटी और डेंसिटी की डायमेंशन लिखनी है। डेंसिटी की तो डायमेंशन अभी हमने कर ली है, वेलोसिटी को देखते हैं। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में जो तब्दीली की तरह होती है या विद टाइम डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू डी बाई टी, तो डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में वी डी, आपके पास लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह लेंथ की डायमेंशन,
और टी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी जगह टाइम की डायमेंशन, ये ऊपर जाएगा तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी एल टी माइनस वन और यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड। और डेंसिटी की डायमेंशन को दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी ये डिस्कस की। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको एक आधा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी पूछा जाता है कि आपको कोई भी इक्वेशन दी गई होगी और आपसे पूछा ये जाएगा कि शो करें ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। सो दैट द इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। अब दो तीन पॉइंट जब भी ऐसा एमसीक्यू है तो आप लोगों ने याद रखने हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के अगर हम यूजेस पढ़े ना, उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है? होमोजेनस चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में जब हमें होमोजेनस पढ़ाया जाता था तो हमारे टीचर्स हमें ये समझाते थे कि आप कोई भी चीज लें और उसका कहीं से भी दुनिया से सैंपल ले लें, उस सैंपल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर में कहा जाता था आप दुनिया में कहीं भी वाटर ले लें उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो फिक्स रहेगी। इस चीज को होमोजेनस चीज बोलते हैं। अब इक्वेशन में होमोजेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल मतलब यह है कि उस इक्वेशन की कोई भी टर्म ले लें, आप कोई भी गिवन इक्वेशन उसकी कोई भी टर्म ले लें, हर टर्म की जो डायमेंशन होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इक्वेशन की कोई भी टर्म ले लें उस टर्म की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। अब टर्म बनती क्या, टर्म हमेशा बनती है आपके पास प्लस और माइनस के साइन की। अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान प्लस का साइन आ गया या माइनस का साइन आ गया तो आपके पास वो टर्म बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन लिखी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक टर्म तो ये एस वाली हो गई इक्वेशन की एक तरफ पड़ी है, दूसरी टर्म वी आई टी होगी और तीसरी टर्म हाफ ए टी स्क्वायर होगी। इसी का मतलब ये है कि दोनों की जो डायमेंशन वो क्या होगी, सेम होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ, एस की डायमेंशन, वी आई टी की डायमेंशन और हाफ ए टी स्क्वायर, इन तीनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो इस वजह से आप जो चैप्टर नंबर वन है उसकी ग्लॉसरी में लास्ट पॉइंट बने तो लिखा हुआ है इन फिजिक्स ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड विच आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट और विच हैव सेम डायमेंशन, उन क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है जिनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। तो आपको बेटे ये जिनका ऑन है काइंडली इसको ऑफ करें। तो इसकी हमने डायमेंशनली करेक्ट अप्रूव कर, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आती है एस, एस की डायमेंशन हमें पता है डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन कैपिटल एल हो जाएंगी। नाउ राइट हैंड साइड पे वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब यहाँ पे बच्चे इसको डायरेक्ट ये वाला काम करते हैं और यहाँ से डायमेंशन निकाल देते हैं। आपने इस तरह से नहीं करना, आपने पहले लिखना है टू टर्म्स कैन बी एडेड ओनली when they have the same dimension. दो terms को हम सिर्फ उस सूरत में add कर सकते हैं जब उनकी dimension क्या होती हैं, same होती हैं। इसी का मतलब so each term involved in VIT plus half AT square has same dimension. इसी का मतलब हर term इसमें same dimension रखती है। सबसे पहले VIT की dimensions निकालें, VIT की dimension बनेगी velocity, velocity होते distance by time, हमने अभी निकाली थी LT minus 1, time की T से cancel तो इसकी dimension L हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये जो हाफ है ये कॉन्स्टेंट है, इसको हम डायमेंशन लिखते हुए निगलेक्ट कर, ठीक है। तो बाकी रह गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम और इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर, टी से कैंसिल होगा तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएंगी एल। मतलब इसमें जितनी भी टर्म्स थी टोटल तीन टर्म्स थी इस इक्वेशन में, सबकी डायमेंशन सेम है। तो द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आर एल प्लस एल टू एल, जो अगेन कॉन्स्टेंट था वो बाहर चला जाएगा तो वो भी एल बन जाती है। As the dimensions of both sides of this equation, अब देखें left hand side और right hand side की dimension same हो गई, S is equal to VIT plus RVT are same, so equation is dimensionally consistent. तो ये channel है, इस way में आप अगर इस question को attempt करोगे तो आपके लिए ये best होते हैं। Quickly move करते हैं next question की तरफ, ये बहुत important question है even for long questions भी। Find the dimensions and system international as the units of coefficient of viscosity, coefficient of viscosity
विस्कोसिटी चैप्टर नंबर 6 में मेनली हमने पढ़ा था, हमने कहा था द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। और उस विस्कोसिटी कोफिशिएंट की फिक्स वैल्यू होती है डिफरेंट आपके पास फ्लूइड के लिए, तो उस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हमने डायमेंशन निकालनी है। अब ये आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ एमसीक्यू, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ये स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ क्या था? स्टोक्स लॉ ये कहता था कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और वो विद वेलोसिटी वी किसी ऐसे मीडियम में से गुजर रहा है, ऐसे फ्लूइड में से गुजर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स ड्रैग फोर्स लगती है, एक्चुअली ड्रैग फोर्स है, दैट इज इक्वल टू 6/r। हमने वो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखना चाहे तो बेहतर आप लिखें अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ एफ इज इक्वल टू 6/r। यहाँ से आपने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो आएगी एफ डिवाइडेड बाई 6/r। अब देखेंगे जो 6π है ये तो कॉन्स्टेंट है, 6π इज अ नंबर हैविंग नो डायमेंशन, मतलब कॉन्स्टेंट या नंबर के डायमेंशन होती नहीं है। कॉन्स्टेंट कौन से? जिनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू हो, ठीक है, मतलब जिनको फिजिक्स में आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज भी होते हैं ना, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के यूनिट्स होते हैं और डायमेंशन भी होती है, लेकिन जो जनरल नंबर होते हैं 6π हो गया, 5, 10, इनकी डायमेंशन नहीं है। तो 6π इज अ नंबर हैविंग नो डायमेंशन, इट इज नॉट अकाउंटेड इन डायमेंशनल, हमने इसको अकाउंट ही नहीं करना। देन थीटा की डायमेंशन कैसे लिखेंगे? फोर्स की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी MLT-2, आर लेंथ की डायमेंशन में आएगा और वेलोसिटी LT-1। ओवरऑल ये क्या बन जाएगा? एक एल को यहाँ से कैंसिल कर दें, ये बनेगा ML-1 T-1, ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आएंगी और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डायमेंशन के अलावा, वो कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कैसे लिखें, तो मास किलोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ मीटर को रिप्रेजेंट करता है और टाइम सेकेंड में मेजर होता है, इसका मतलब इसके बेस यूनिट में बनेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। मैं रिपीट कर देता हूँ, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, एक तो ये, दूसरा एक और यूनिट इसका बनता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का यूनिट मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये तीन यूनिट है। मैं रिपीट कर देता हूँ, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ये दो यूनिट और इसकी डायमेंशन ML-1 T-1, ये आप लोगों ने याद रखें और इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, तब से कहा यह गया है कि शो करेंगे डायमेंशनली कंसिस्टेंट, इस चीज का मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन के तमाम कंपोनेंट्स की डायमेंशन सेम है, फॉर एग्जांपल द डायमेंशन ऑफ ATR इस जैसी होंगी जैसे कि वेलोसिटी की डायमेंशन है, तो इसको भी देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ VF लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है LT-1, डायमेंशन ऑफ राइट साइड जब VI+AT, अब सेम वही वाली बात, टू टर्म्स कैन बी एडेड ओनली व्हेन दे हैव द सेम डायमेंशन, तो ईच टर्म इन्वॉल्व इन VI+AT है सेम डायमेंशन, तो VI की डायमेंशन LT-1, AT के लिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, टाइम के लिए T, ओवरऑल डायमेंशन क्या बन जाएंगी LT-1, तो द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ VI+AT आर LT-1 एज द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन VI+AT आर सेम, तो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट, इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट डाउन दी यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQ, ये दोनों में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से डिफरेंट MCQs बनते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या है? आपकी बुक में दो लिखे हुए हैं, एक थर्ड यूज भी है, उसको भी आप लोगों ने देखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, वी कैन चेक दी करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला और एन इक्वेशन, इस चीज का मतलब ये कि हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, फार्मूला ये इक्वेशन बिल्कुल, इसी चीज को हम ऐसे भी कहते हैं वी कैन चेक दी होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। होमोजेनिटी मैंने आपको बता दिया क्या मतलब होता है, इसी का मतलब ये होता है कि एवरी टर्म इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन हैव सेम डायमेंशन, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अच्छा, दूसरी चीज, वी कैन ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला और इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, हम पॉसिबली फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं डिफरेंट इक्वेशन, आपकी बुक में ओशन वेव्स का आपके पास सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, इस तरह आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी स्पीड ऑफ द साउंड का भी फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये तीन फॉर्मूलाज आपके बुक में क्या हुए हैं,
ड्राइव हुए हैं, तो आप पॉसिबल फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ओशन वेव्स वाला जब मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगा वहां पे बताऊंगा कि वो आपके पास नस प्यास लीची में एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता। तीसरा, ये बुक में नहीं है, वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो डायमेंशनल एनालिसिस हमारी हेल्प करते हैं। अब इसके लिए डिटेल लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि स्टेप नंबर वन की कंप्लीट स्लाइड लेक्चर भी है हर टॉपिक के, वो आप लोगों को मिल जाएंगे वीआई व्हाट्सएप, तो वो आप लोग लेक्चर देख लेंगे तो जो कन्फ्यूजन आपकी रह जाएंगी ओवरऑल टॉपिक के हवाले से वो भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है डिफाइन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, या फिर सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन प्रिसीजन और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ज्यादा प्रिसाइज होगा, मीटर रॉड या वर्नियर कैलिपर, इसको देखें। अब प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में कितनी ज्यादा क्लोज है, हम कहते हैं हाउ मच मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, और इसको हमने हमेशा डिटरमिन करना होता है इंस्ट्रूमेंट से। तो पहले तो प्रिसीजन, अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, प्रिसीजन की डेफिनेशन पूछी होती है, बच्चे प्रिसाइज मेजरमेंट की डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, ये आपने नहीं करना। जो चीज पूछी है वो प्रिसीजन मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज आर टू ईच अदर एंड इट इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड, सिंपल की आपने इतनी बात लिखी। और एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से, एक्सेप्टेड वैल्यू से कितनी क्लोज है। तो हम कहते हैं एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज टू एक्चुअल वैल्यू एंड इट इज डिटरमिन्ड बाय टेकिंग डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। हमने एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस लेना है, difference between measured and actual value is called accuracy, and difference between measured values only, अगर सिर्फ measured values का आपस में फर्क लेंगे तो precision है, और measured values का actual value के साथ difference लोगे तो वो accuracy, simple सी बात है। अब vernier caliper ज्यादा precise होता है meter rod के नीचे, याद रखना है आपके पास ये जो किसी भी क्वांटिटी के ज्यादा प्रिसाइज होने का, इंस्ट्रूमेंट के प्रिसाइज होने का तल्लुक होता है वो उसके लीस्ट काउंट के साथ है, ठीक है। अब जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा, मतलब लेस द लीस्ट काउंट मोर द इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज, जितना कम लीस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट उतना प्रिसाइज होगा। तो वर्नियर कैलिपर कैन मेजर मोर प्रिसाइज वैल्यूज एज कम्पेयर टू मीटर रॉड बिकॉज इट हैज लेस लीस्ट काउंट और लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेंटी। देखिए लीस्ट काउंट हमने कहा था एब्सोल्यूट अनसर्टेंटी के इक्वल होता है, क्लियर होगी बात, और वो इक्वल होती है कि चीज के प्रिसीजन के, मैं रिपीट कर देता हूँ, लीस्ट काउंट इक्वल होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेंटी के और एब्सोल्यूट अनसर्टेंटी इक्वल होती है प्रिसीजन के। इस चीज का मतलब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम, उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेंटी भी कम, उसकी प्रिसीजन भी कम, लेकिन उससे की जाने वाली वैल्यूज मोर प्रिसाइज होती है, मेजरमेंट उसकी क्या होती है मोर प्रिसाइज। इसी का मतलब प्रिसीजन और प्रिसाइज मेजरमेंट का आपस में इनवर्स रिलेशन है, मैं रिपीट कर देता हूँ, लीस्ट काउंट इक्वल होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेंटी दैट इज इक्वल टू प्रिसीजन। इसी का मतलब क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है तो इस चीज का मतलब उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेंटी भी एज कम्पेयर टू मीटर रॉड कम होगी, उसकी प्रिसीजन भी कम है, लेकिन उससे जब मैं वैल्यूज मेजर करूंगा तो वो मोर प्रिसाइज होगी। जो प्रिसीजन और जो एक्यूरेसी का है और मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट का जो टॉपिक है डिटेल में आपके साथ इनसे आज मैं शेयर करूंगा, आपने इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से देखना है क्योंकि इस दफा चांसेस है कि बोर्ड में चैप्टर नंबर वन में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें मैंने आपको डायग्राम विद ग्राफ ये सारी चीज समझाई हुई है, तो आप उसमें जिन जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है उन पॉइंट्स को अगर देख लेंगे उनके सारे रिलेशन वन टू वन लिखे हुए, और इंशाल्लाह इसको करने के बाद आपका किसी भी लेवल पे कोई भी एमसीक्यू आ जाए, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत नहीं होगा, तो वो लेक्चर में इंशाल्लाह आज आपसे शेयर करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है आइंस्टाइन इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, लास्ट क्वेश्चन है आज का इंशाल्लाह, फिर बाकी क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ई नेचुरल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी होती है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू सम वर्क, किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को एनर्जी बोलते हैं। इन एक्चुअल फिर एनर्जी वर्क के इक्वल हो गया और वर्क बराबर होता है एफडी के,
पूरा फॉर्मूला लिखना चाहें तो एफ डी कॉस थीटा क्योंकि कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है तो उसकी डायमेंशन नहीं, इस वजह से हमने एफ डी लिखा है। तो ई की डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया एनर्जी का, फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, डी डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है एल, तो डायमेंशन बन गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इन टर्म्स ऑफ बेस आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है एम टी स्क्वायर है, मैथ और वेलोसिटी था एल टी माइनस वन और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, ये बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, कंबाइन किया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब मुझे नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है, तो एज द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम, सो द इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो आई होप कि आज हमने नौ क्वेश्चन डिस्कस किए, ये आप लोगों को क्लियर होंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम जितना हमारा कवर हो सकता है उसको जल्दी से कवर किया जाए, क्योंकि आज फर्स्ट डे था इसलिए काम थोड़ा सा कम हो गए, इनशाला कल से हम लोग ज़्यादा इफेक्टिव वे में और ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी आप में से किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई,